नमस्कार, आप जो रहा छो बीटीवी न्यूज गुजराती, हूं छू अंकुर रावल। समाचार की शुरूआत करिए। मुंद्रा सीजमां झड़पायेली सोपारी मामले तपास पूर्ण थई गई छे। त्रण दिवस चालेली डीआरआई नी तपास में 54 मेट्रिक टन सोपारी मळी अने 54 मेट्रिक टन सोपारी नी बजार किंमत 7 करोड़ रूपया थई छे। तो डीआरआई नी गांधीधाम टीम ने खजूर ना बदले सोपारी होवानी बातमी मळी हती अने बातमीना आधारे डीआरआई नी टीमे वेरहाउस में सर्च कर्यु हतु। कार्गो ने अनलोडिंग करवा समय डीआरआई नी टीम पहोंची हती। डीआरआईए सोपारी नो जत्थो जप्त करी आरोपी विरुद्ध कार्यवाही हाथ धरी छे। तो आज मुद्दे संवाददाता भरतसिंह फोनलाइन पर। भरतसिंह, मुंद्रा में डीआरआई नी तपास पूर्ण थई गई छे, शुं छे मामलो भरतसिंह? अंकुर, खूब महत्वपूर्ण छे के डीआरआई द्वारा मुंद्रा ना स्टेज माथी जे सोपारी गड़कावानो जे मामलो हतो तेने लईने विगतो सामे आवी रही छे। अजे मुंद्रानी अंदर जे सोपारी एटले के विदेशी सोपारी नो जे जत्थो मळी आव्यो छे तेनी अंदर तपास अंते आवी रही छे के 3 कंटेनरो जे आयात करवामां आवी रह्या हता, जे तमाम कंटेनरो मां खजूर ना नामे डिक्लेरेशन करवामां आव्यु हतु, परंतु तेनी अंदर थी जे सोपारी नो मसमोटो जत्थो मळी आव्यो छे। 3 दिवस सुधी डीआरआई नी टीमो द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी छे, जेनी अंदर 3 कंटेनर माथी 54 मेट्रिक टन सोपारी नो जत्थो मळी आव्यो छे, जेनी અંદાજિત કિંમત 7 કરોડ જેટલી થઈ રહી છે। એટલે કે હવે ખજૂરના નામે સોપારી આયાત કરવામાં જે આયાત કરીને જે સ્મગલિંગ કરવાની જે ઘટના છે તે સામે આવી રહી છે। હાલ તો ડીઆરઆઈ દ્વારા તમામ જે પાસાઓને ધ્યાને લઈને તપાસ પણ હાથ ધરી દેવામાં આવી છે, તે ઉપરાંત મુંબઈની જે આયાતકાર પેઢી છે ત્યાં પણ હાલ ડીઆરઆઈ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। જી બિલકુલ ભરતસિંહ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।